हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज हम सिंप्लीफिकेशन की एक ट्रिक पढ़ने वाले हैं। बहुत आसानी से डिफिकल्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, बड़े ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 999 इज टू 98/99 मल्टीप्लाई 99। ये क्वेश्चन को देखिए, अगर मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने लग जाएं तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन इसको बहुत आसानी से कैसे किया जा सकता है ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसे 999 प्लस 98 अपॉन 99 लिखना है। ऐसा क्यों लिखा हमने, पहले यह समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 इज टू 1/2 है, जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो क्या बनता है, 3 टू जर 6, 6 प्लस 1 7, यानी कि ये 7/2 होता है। और 3 प्लस 1/2 करोगे, 2 एलसीएम, 3 टू जर 6 प्लस 1, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 7/2 आएगा। यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में जब होता है तो हम उसको प्लस का निशान लगा के लिख सकते हैं, इसलिए हमने यहां पर क्या किया, प्लस का निशान लगा दिया। इसके बाद क्या करना है, ये जो 999 है इसे 1000 माइनस 1 लिख देना है। क्या लिख देना है, 1000 माइनस 1 लिख देना है, प्लस 98 अपॉन 99 एज इट इज मल्टीप्लाई 99। नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब बिल्कुल आसान, जस्ट ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, यानी कि 99 के साथ इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है, 99 को 1000 से करेंगे तो 99,000 माइनस 1 को 99 से करेंगे तो माइनस 99, और जब 98/99 को मल्टीप्लाई करोगे तो 99 कट जाएगा, वी विल बी लेफ्ट विद 98 ओनली। तो क्या बना, 99,000 माइनस 99 माइनस का है, 98 प्लस का है, तो हमारे पास बना माइनस 1। और 99,000 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 98999। तो आपका आंसर 9899 आपका आंसर बन रहा है। तो देखिए कितनी आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कैसे। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आते हैं एग्जाम्स में, तो कैलकुलेशन आसान बनानी आनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा मोल्ड करते हैं और हम करते हैं 999 यहां पर और 997 यहां पर। कंसेप्ट हमने पढ़ लिया है, अटेम्प्ट करना बिल्कुल आसान है। सेम मेथड की प्रैक्टिस दोबारा करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 999 प्लस 997 अपॉन 999, यहां पर भी 9 आएगा। तो देखिए ये 999 जरूरी है यहां पर, क्योंकि ये ट्रिक इसी पे काम करेगी और इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए 999 को हमने क्या लिखा था, 1000 माइनस 1 प्लस 997 अपॉन 999, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 1000 को 999 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 999,000 माइनस 999, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 997। तो यहां पर 999 जो है 999 के साथ कट जाएगा, और आगे क्या बनेगा हमारे पास, 999,000 यहां पर माइनस 2 बनेगा। अब आपको सिर्फ इसको सब्ट्रैक्ट करना है, और इसको सब्ट्रैक्ट करके आपके पास क्या बनेगा, 998998। तो देखिए कितनी आसानी से ये आंसर आप निकाल सकते हैं। तो ऐसी सिंप्लीफिकेशन की ट्रिक्स आनी चाहिए ताकि कैलकुलेशन आसान बन जाए। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। थैंक यू सो मच।